भाग्य की बात है कि सांसद में जब सीएए के कानून जब पारित हो जाता है उसके बावजूद मुंबई में, नागपाड़ा में, शाहीन बाग में, दिल्ली में, वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है वो देश विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन करते हैं, उन पर कुछ केस नहीं लिया जाता है। लेकिन हम जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी है उनके विरोध में जो अभद्र टिप्पणी की जाती है कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य पत्र द्वारा, तो हम उसका जब विरोध करते हैं तो हम पे केस लिया जाता है। तो आप खुद पूछ सकते हैं महाराष्ट्र सरकार से ये क्या चल रहा है करके महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर विरोध करके वीर सावरकर जी को लेकर जो आपने विरोध जो आपने प्रदर्शन किया, तो महाराष्ट्र सरकार को क्या कुछ बताने की और कोई उनसे अपील है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो पूरा मुंबई युवा मोर्चा और पूरा भारतीय जनता पार्टी इसका निषेध करता है जो उन्होंने अपने मुख्य पत्र में लिखा है। और हमारे जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसका हम कड़ा निषेध करते हैं। और आगे भी पूरे मुंबई में जब तक महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी माफ़ी नहीं मांगेगी, युवा मोर्चा रास्ते पे उतरेगा, कांग्रेस के हर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगा और उनको दिखाएगा कि आपके खुद के नेहरू जो लंदन से अपने कपड़े धुला के लाते थे, जो सिगरेट प्लेन से मंगाते थे अपने लिए, तो वो युवाओं को उनको आदर्श मानना चाहिए कि जो 12 साल का कारावास काट के आए देश के स्वतंत्रता के लड़ाई में, तो उनको आदर्श मानना चाहिए। सवाल मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार क्यों मौन है करके, आप कुछ नहीं बोल रहे हो इस विषय को लेकर। तो उद्धव ठाकरे जी से मेरा सवाल है कि आपको लोगों को जवाब देना है कि वीर सावरकर जी का अपमान हो रहा है और आपके साथ में सत्ता में है कांग्रेस, तो आपको बाहर आकर जवाब देना चाहिए लोगों को। तो आज लोगों को यहाँ पर पकड़ के लाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, क्या केस बनाया गया है, क्या कुछ यहाँ पर किया? अभी कलम क्या बनाया गया था वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है कलम 68 बनाया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट के होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण दिया कि जो देश विरोधी बातें करते हैं तो उनको कभी भी उन पर केस नहीं बनता है, लेकिन हमने जो देश के स्वतंत्रकारी हैं उनके सम्मान में जब हम युवा मोर्चा मैदान में उतरे तो हमको बुलाकर बैठाकर यहाँ पर हमको केस बनाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? समय में बहुत ही अच्छा विरोध प्रदर्शन आज हमारे युवा साथियों ने तेजेंद्र जी के नेतृत्व में किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं महाराष्ट्र की जो सरकार आज खिचड़ी सरकार बनी है उनके सभी नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और ख़ास करके शिवसेना के हमारे